कल देखा, कल हमारे पास एक न्यूज आई जिसमें अंजना कुछ लोगों को मार्क्स बांट रही थी, जो मैंने स्टोरी आपके साथ शेयर की थी, तो क्या था, कहाँ पर थे वो और किस तरह आपने ये सब किया? एक्चुअली जैसे जैसे लॉकडाउन पार्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन वन, लॉकडाउन टू, लॉकडाउन थ्री, तो लोगों की जो जरूरतें हैं, काम तो अभी पहले जैसा स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मुझसे जो भी बन पड़ रहा है, जब लॉकडाउन वन हुआ था तब भी मैंने कुछ चीजें जो मुझसे हो पाई थी, मैंने राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया था लोगों को, करीब 250 से ज्यादा लोगों को किया था, जितना मैं कर सकती हूँ। और फिर लॉकडाउन टू आया, फिर थ्री हुआ, तो फिर मैंने सोचा कुछ करना चाहिए। मास्क बहुत से लोगों के पास, मैं जैसे बाहर निकलती थी मेरे घर के बाहर, तो बहुत से ऐसे जो डेली बेसिस वाले लोग हैं जिनके पास नहीं खरीद सकते, उनके पास 50 रुपए में वो सोचते हैं मेरी सब्जी आ जाएगी, एक दिन का हमारा चल जाएगा, तो वो लोग उन बच्चों के लिए, और मास्क वगैरह नहीं ले सकते, तो फिर मैंने देखा मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने एटलीस्ट मैंने सोचा जो मेरे घर के आसपास मैं जितने लोगों को कर सकूं तो मैं करूं। फिर मैंने कुछ लोगों को लंच बॉक्स प्रोवाइड किया और मास्क मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए। कैसे हैं मतलब वो हालात, जब आप रोड पे, टीवी पे तो आप देख ही रहे हो कि हमारी तरफ के लोग, मतलब हम यूपी की बात करें या बिहार की बात करें या जहाँ की भी, लोग किस तरह के हालात है, ऐसे जब आप उनसे मिलते हो तो क्या सिचुएशन है, क्या बात करते हो? मुझे मैंने जब पहले राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था तो लोगों में था, क्योंकि रोक रोक के लोग बोल रहे थे दीदी और है क्या चाहिए, मतलब हम रख गए हैं करने के लिए, तो बड़ा अफसोस हो रहा था कि खत्म हो गया, मैं इतना ही कर पाई। तो नीड है, लोगों को जरूरत है जो डेली काम करते, जैसे मैं बाहर क्यों जाऊं, मेरे घर में जो काम करने वाली आती हैं, झाड़ू पोछा करने आती हैं, उनके हस्बैंड का चाय और समोसे का काम था, जो नहीं है वो अलाउड नहीं है खोला, क्योंकि वो खुल गया तो फिर भीड़ लगेगी उस जगह पे और परमिशन नहीं है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते हैं। तो फिर मैंने बोला अब कैसे, तो बोले कि जहाँ अभी जो लोग अलाउ कर रहे हैं घर में काम करने के लिए, हम वहीं जाके काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोगों का काम है, ठेले पे जिनकी चाट की दुकानें थी या जो चाय का स्टॉल लगाते थे, ये चाउमीन, ये सब जिन जो डेली की अर्निंग थी, उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत है, अभी भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो सब चीजें यहाँ यूपी में अभी खुली नहीं है। मैं अभी इस वक्त लखनऊ में हूँ, तो यहाँ पे जैसा मॉर्निंग 10:30 to 7 o'clock स्टोर, सिंगल स्टोर आपको डेली नीड्स के जो भी जरूरतें हैं उसके खुले हैं, आप ले सकते हैं चीजें। 7 बजे पेट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, एक सिंगल शॉप आपको खुली नहीं मिलेगी, मतलब काफी अच्छा रूल बनाया है, स्ट्रिक्ट है, लेकिन जो डेली कमाते हैं वो कैसे खरीदेंगे सामान, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। अंजना, बहुत सारे लोगों ने और मदद की है, लेकिन एक सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे ही वो कुछ भी मदद करते हैं वो उनके सोशल मीडिया पर नजर आता है। देखिए, हम लोग एक पब्लिक फिगर हैं, भले ही हम एक भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्ट्रेस हैं या जो भी हैं, बट हमारी भी अपनी एक ऑडियंस है, हमसे भी सोशल साइट्स पे सवाल होते हैं कि मैडम आप आगे क्यों नहीं आई, आपने क्यों नहीं किया, अब जो हमने किया उसको पोस्ट नहीं किया या उन्हें बताया नहीं तो भी हम गलत हैं, क्योंकि जब सबसे पहले फर्स्ट लॉकडाउन में जब हमारे पीएम सर ने अनाउंस किया था कि जिससे जो मदद हो सकती है पीएम फंड में आपको ट्रांसफर करिए, जिससे जो होता है, तो सब लोगों ने जिनसे जो हुआ चेक्स डाले, अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर चेक की फोटोज डाली, ट्रांसफर अमाउंट का फोटोज डाला, तो क्या होता है ना कि बताना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, एज एन पब्लिक फिगर हमें बताना भी पड़ता है कि भाई हमने भी जो हो सकता है वो हमने किया, इसमें कोई गलत नहीं है। देखा जाए तो मोदी जी भी हैं, आज 20 लाख करोड़ का जो उन्होंने ये योजना लेके आई है, तो उन्हें बताना पड़ा कि हम लाए हैं, उनको क्या जरूरत है बताने की, वो भी जाके घर घर चुपके चुपके देके आ सकते हैं, बट वो पता नहीं चलेगा ना लोगों को, तो बताना जरूरी है कि हमने की है, ज्यादा नहीं एकदम की हाँ पर एक ट्रॉफी बांट रहे हैं और उसका फोटो खींच लो, दैट इज नॉट गुड, बट मैं एज एन पब्लिक फिगर की बात करती हूँ, हमसे हमारे फैंस सवाल करते हैं, पूछते हैं,
मैम आप भी हमारी हेल्प करिए या आप ही सामने आइए बोलते हैं, और जब हम कुछ करते हैं और हम एक फोटो या हमारी कोई फोटो शेयर कर देता है तो उसपे उन लोगों को प्राउड फील होता है और अच्छा लगता है। अंजना एक आज सुबह एक सर्टिफिकेट भी आया जो कोरोना वॉरियर्स अवार्ड के तौर पे आपको भी मिला है। सो उसके बाद आपको आपका फोटो आया, खेसारी जी को मिला है, राजू सिंह माही का भी आया। सो उसके बारे में क्या कहना है? बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एक लाइन बहुत साफ मैं बोल देना चाहती हूँ, ये किसी अवार्ड के लिए या किसी सम्मान पत्र के लिए ये कार्य बिल्कुल नहीं है, ये अपने सुकून के लिए है। खुद हम कहाँ स्टैंड होते हैं वो करने में जो खुशी मिलती है ना ये काम करने में, बस उतना। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री की बात कर ली जाए तो हमेशा एक्ट्रेसेस को पे कंपेयर टू हीरो बहुत कम होता है, तो हम बहुत करोड़ों और दो करोड़ पांच करोड़ की चीजें तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते उतना तो करेंगे। आपके इंस्टाग्राम करने के लिए एक दिन एक वीडियो देखा था जो बहुत ही पसंद आया था, आपकी बेटी ने कहा था ये दुकान बंद है वो दुकान क्या था वो कैसे? वो एक्चुअली क्या है, मेरी मेरी हमारी सोसाइटी में एक मंदिर है जहाँ मेरी अभी तो खुलने लगे हैं मंदिर, बट वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करके ही लोग जाते हैं, तो वही मेरी बेटी भी माँ के साथ गई हुई थी, तो आने के बाद उसको बहुत ढंग से मुझसे बात नहीं करी और अच्छे से पूजा भी नहीं करने दी, कोई सब खड़े होके क्लैपिंग भी नहीं कर रहे थे, तो वो बता रही थी तो फिर मैंने रिकॉर्ड किया उसकी बातों को, और उनको बहुत तकलीफ है बाबा, क्योंकि उसको अभी न्यूज स्कूल में एडमिशन हुआ था और उसको न्यूज स्कूल देखने को नहीं मिला, उसको सबसे ज्यादा दुख उस बात का है कि उसने रिक्वेस्ट की मोदी जी से कि कोरोना को बंद कर दीजिए। अंजना कौन कौन सी आपकी फिल्में रुकी हुई है इस लॉकडाउन की वजह से और उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा शूटिंग में या रिलीज के लिए कौन कौन सी है? शूटिंग के लिए अभी दो फिल्में मेरी शूट जाने वाली थी जो लॉकडाउन के बाद भी जाएंगी और तैयारी हो रखी है उसकी, और रिलीजिंग के लिए काफी सारी फिल्में रेडी है मेरी, जिनमें से है शक्ति वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है बट ये बायोपिक नहीं है, एंड मेरी फिल्म है अब एक्सप्रेस और ये भी वुमेन ओरिएंटेड है, ये जब भी मैट टाइप कॉन्सेप्ट है और उसके प्यार का है बनाया राम ने, ये भी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, और फिल्म है कसम पैदा करने की पार्ट टू बड़ी प्यारी फिल्म बनी है उसकी, तो रिसेंटली बिफोर लॉकडाउन ही शूट कंप्लीट हुआ था, एंड फिर उसके बाद मेरी फिल्म है जिसमें मैंने क्यूट सी भूत का रोल किया है। वाओ ये सारी फिल्म। और फाइनली अभी लॉकडाउन कैसे बीत रहा है, क्या कर रहे हो आप घर पे? देखिए लॉकडाउन तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, सभी बोर हो रहे हैं क्योंकि सभी हम लोग की तो लाइफ ऐसी है कि हमेशा ट्रैवल करना शूटिंग करना, बट ऐसा समय है कि मजबूरी है सभी के लिए और यही सेफ्टी है हमारे लिए, तो घर पे है सारी चीजें, टाइमिंग जो है सब गड़बड़ हो गई है, ज्यादा खाना हो रहा है, एक्सरसाइज कम हो रही है और किचन में टाइम पास थोड़ा ज्यादा हो रहा है, जो चीजें अच्छी बन रही उसको इंस्टा पे पोस्ट कर दे रही हूँ, जो नहीं बन रही उसको डस्टबिन में फेंक दे रही हूँ। चलिए फाइनली दर्शकों से क्या कहेंगे? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज 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 इस कोविड 19 के टाइम है के टाइम पे आप लोग प्लीज सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, अपने घर में रहें, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अपने मास्क का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, डेटॉल से अपने हाथों को धुलते रहें, याद रहे आप सुरक्षित रहेंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। और घर बैठे बैठे मेरी अच्छी अच्छी फिल्में आई हुई हैं यूट्यूब पे, वो देखिए, मेरे गाने सुनिए, मुझे टिकटॉक पे फॉलो करिए, इंस्टा पे फॉलो करिए, तो मुझे कुछ सवाल है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे डायरेक्ट, और अब आप बताइए साक्षी जी, ये तो मेरी रिक्वेस्ट थी जो मैंने मेरी ऑडियंस से करी। थैंक यू सो मच अंजना।